में लगे हुए इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये 1800 से लिया गया है पिक्चर है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पा रहे होंगे कि कैसे ऑल्टरनेटिंग करंट के इस्तेमाल एक घोड़े के ऊपर करके ये दिखाने की कोशिश की जा रही है साधारण इंसान को कि ऑल्टरनेटिंग करंट कितनी खतरनाक है इंसानों के लिए। 1800 में ऑल्टरनेटिंग करंट कहे तो एक नया ही टेक्नोलॉजी था जिसके अगेंस्ट में काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और बहुत सारा मिसकॉन्सेप्शन फैलाया जा रहा था कॉमन पीपल के बीच में। लेकिन दोस्तों आज अगर हम 2021 में मुड़ के देखें तो ऑल्टरनेटिंग करंट का इस्तेमाल हमने उन्हीं सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और मिसकॉन्सेप्शन की चपेट में आके हमने बंद नहीं किया, बल्कि उसका इस्तेमाल हमने और ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि ये एक सत्य है कि ऑल्टरनेटिंग करंट डीसी करंट से ज़्यादा एफिशिएंट है। और दोस्तों ये जो कहानी है ये 1800 के टाइम में थॉमस अल्वा एडिसन और निकोलास टेस्ला के बीच इलेक्ट्रिक करंट सिस्टम को लेकर एक जंग चल रही थी, उसी उसी से ही मैंने ये पिक्चर लिया है जो जहाँ पर दोनों लोगों में काफ़ी सारा विवाद हो रहा था कि पूरी दुनिया भर में कौन सा इलेक्ट्रिकल करंट सिस्टम होना चाहिए, एसी या फिर डीसी। यहाँ पर 5G भी एक नया टेक्नोलॉजी है जो कि 2019 से ही बहुत सारे देशों ने अपने अंदर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। साउथ कोरिया ऐसा पहला देश है जिसने सबसे पहले 5G को कॉमर्शियल किया और पूरी दुनिया में फैला दिया, इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और इसके बाद हमारे प्यारे दुलारे चाइना। लेकिन दोस्तों इंडिया पर भी अब 5G के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और आएंगे भी फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों 5G जैसी एक नया टेक्नोलॉजी है, लोगों के मन में काफ़ी कुछ क्वेश्चन हैं, लोगों को बहुत कुछ पता नहीं है, तो इसके अगेंस्ट में काफ़ी सारे मिसकॉन्सेप्शन या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पेश की जा रही है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो जूही चावला जो कि एक बहुत ही फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस है, इन्होंने दिल्ली कोर्ट में केस फाइल करके ये कहा कि 5G टेक्नोलॉजी इंसान के लिए काफ़ी खतरनाक है, ये है वो है, ऑल्दो उनके पास कोई भी टेक्निकल प्रूफ बिल्कुल भी नहीं था। दिल्ली कोर्ट ने उन्हीं की केस को खारिज कर दिया और उल्टा उनको 20 लाख रुपये की फाइन भरने के लिए कहा। रही बात अगर हम आमिर खान की बात करें, आमिर खान ने तो कुछ ऐसा कह दिया, आई मीन आप कोरोना वायरस, पॉलिटिशियन और चाइना के बीच कुछ ना कुछ कनेक्शन ढूंढ सकते हो, लेकिन ये कोरोना वायरस और 5G के बीच क्या कनेक्शन है ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। सो गाइस 5G एक नया टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में लोगों को बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पता नहीं लोग क्या क्या उल्टा सीधा सोच रहे हैं। तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। सो हे गाइस माय सेल्फ शुभिनो सरकार एंड यू पीपल आर वाचिंग स्पेक्टेकल 25। तो बने रहो मेरे इस वीडियो में, जानते हैं 5G के बारे में। असल में है क्या, तो पहले समझते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आखिर में है क्या। तो देखो 5G जो है ना वो इंटरनेट मतलब सेलुलर ब्रॉडबैंड जो नेटवर्क होता है हमारा, उसी का ही 5th जनरेशन का टेक्नोलॉजी है। मैंने पहले भी कहा था कि 2019 से ये बहुत सारे देशों में ये ऑलरेडी कॉमर्शियल हो चुका है, बहुत सारे कॉमर्शियल जो टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बस इंडिया में आना बाकी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5G है ना, अगर आप सिंपली अगर इसे 4G के साथ कंपेरिजन करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि 5G कितना अच्छा है। अगर सिंपल भाषा में बोलूँ तो 5G 4G का बाप का भी बाप है, उसका अंदाज़ा आप उसके इंटरनेट स्पीड से लगा सकते हो। 4G का जो इंटरनेट स्पीड है वो है 100 Mbps, ये उसका मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड है। वही बात अगर मैं 5G की बात करूँ तो उसका मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड 10 Gbps है, यानी कि 100 times फास्टर है 5G से। तो सोच सकते हो ना कि 5G कितनी अच्छी है। तो अब बात करते हैं कि 5G जो है ये काम कैसे करता है, 5G जो है ये काम कैसे करता है और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। चलो इसके पहले हम जान लेते हैं कि 5G अगर में काम कैसे करते हैं। तो देखो 5G जो है ना ये एकदम 4G की तरह काम करते हैं, बट जो डिफरेंस है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी में। कहा किसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेव की फ्रीक्वेंसी में। अगर मैं 5G की वेव फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूँ तो ये बहुत ज़्यादा है उसकी वेव फ्रीक्वेंसी इन कंपेरिजन टू 4G में। और उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो 5G का जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो थोड़ी कम क्लटर्ड है, मतलब क्लटर्ड का मतलब ज़्यादा बिखरू है, कम है, अरेंज्ड है, क्लोज है एक दूसरे के वेव्स जो 5G के वेव्स होते हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा है। उसी को हम 5G स्पेक्ट्रम कहते हैं। 5G स्पेक्ट्रम एक तरीके से एक रेंज है रेडियो फ्रीक्वेंसी का, जिसका रेडियो फ्रीक्वेंसी का रेंज है 6 GHz तक, और जिसका मिलीमीटर वेव मतलब मिलीमीटर जो फ्रीक्वेंसी है, मिलीमीटर वेव फ्रीक्वेंसी है, वो है 24.25 GHz। अब मुझे पता है कि ये बहुत टेक्निकल हो जाता है, बहुत सारे लोगों के तो दिमाग के ऊपर से जा रहा है, तो मैं बस इतना ही बता दूँ। इंटरनेट स्पीड से आप लोग पता लगा सकते हैं कि 5G 4G से कितना ज़्यादा अच्छा है और कितना ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर मैं 5G के एडवांटेजेस की बात करूँ तो यहाँ पर तो एडवांटेजेस ही एडवांटेजेस है। 5G की वजह से जो हमारी जो ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी है, जो हमारी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी एडवांस होने वाली है। इसके साथ साथ 5G के अंदर एक ऐसा चीज़ है जो आपको चौंका देने मतलब ये है, जो 5G का जो फिजिकल नेटवर्क है इसको आप वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो, सोच सकते हो, इसको वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो। अब मैं इसको जो है एकदम सिंपली एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ आप व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हो तो उसके लिए इंटरनेट थोड़ा कम लेगा, लेकिन कोई दूसरा बंदा सेम नेटवर्क के ऊपर अगर इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा है तो ये ज़्यादा इंटरनेट कंज्यूम करेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो एक बड़ा अमाउंट का जो इंटरनेट वो अकेला ही कंज्यूम कर रहा है,
ठीक है ना, वो अकेला ही इसको कंज्यूम कर रहा है। आपको वो ऐसा मतलब आपको जो पार्ट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन तो इसलिए जो 5G है उसके अंदर उसी नेटवर्क को, फिजिकल जो नेटवर्क है, इसको आप वर्चुअली डिवाइड कर सकते हो कि भाई इस बंदे को मैं इतना ही इंटरनेट दूंगा जो उसे सप्लाई मिलती रहेगी, और मेरे को इतनी जो है वो इतना सप्लाई मिलता रहना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं जिसको जितना नेटवर्क की ज़रूरत होगी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं वर्चुअली, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों 5G जो है ना, उसके इतने सारे एडवांटेजेस होने के बावजूद भी उसका एक डिसएडवांटेज ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसीज, वेव की जो फ्रीक्वेंसीज है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण बहुत कम हो जाती है। यानी कि सीधी भाषा में बोलूँ तो 5G जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आई मीन मतलब ये थोड़ी दूर में जाके उसकी जो फ्रीक्वेंसीज है बहुत डाउन हो जाएगा, मतलब इतना डाउन हो जाएगा कि जो मतलब कोई भी फिजिकल बैरियर जैसे कि कोई ट्रीज़ या फिर कोई कॉन्क्रीट वॉल, वो 5G की जो वेव्स हैं उसे आराम से रोक सकते हैं। लेकिन इसका भी दोस्तों एक सोल्यूशन हमारे टेक्नीशियन ने निकाला है, काफ़ी सिंपल सोल्यूशन, मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट्स का इस्तेमाल करके। यानी कि दोस्तों 5G के बहुत ही छोटे छोटे टावर्स हमारे घर के ऊपर लगाए जाएंगे, रास्ते पर लगाए जाएंगे और कहीं कहीं जगह पर लगाए जाएंगे, जिसके कारण एक डेंस नेटवर्क पैदा होगा जिससे कि हमें एक अच्छा 5G नेटवर्क मिलेगा। मैं बात करूँ 5G की मतलब एडेप्टिविटी के बारे में, मतलब कैसे हम 5G को अडॉप्ट कर सकते हैं, तो हाँ इसके लिए काफ़ी एक सिंपल चीज़ ये है कि हाँ आपको 5G स्मार्टफोन जो है वो खरीदना होगा, आपको 5G स्मार्टफोन खरीदना होगा। अब दोस्तों 5G स्मार्टफोन खरीदने जब आप जाओगे ना, तो ध्यान रखना ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ कंपनीज ऐसे हैं जो 5G स्मार्टफोन बेच रहे हैं लेकिन उनके अंदर 5G के सिर्फ एक बैंड है, दो बैंड है, ऐसा नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इंडिया में 5G नहीं है तो बहुत सारी कंपनीज 5G की वजह मतलब 5G का नाम इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश कर रहे हैं एक या दो बैंड्स देके। वही स्मार्टफोन अगर मैं यूरोप की बात करूँ जहाँ पर 5G ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुकी है, वहाँ पर उन्हीं सेम स्मार्टफोन में 5G के 10 से 12 बैंड्स दी जा रही है। तो आप ये एक बार गूगल पर सर्च कर लेना अगर कोई भी 5G स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो, कि उसी स्मार्टफोन में कितनी 5G बैंड्स हैं, वो चीज़ आप गूगल में ज़रूर सर्च कर लेना। दोस्तों बात करते हैं कि 5G रेडिएशन क्या है। 5G रेडिएशन क्या, 5G रेडिएशन सच में हमारे इंसानों के लिए काफ़ी खतरनाक है क्या, 5G रेडिएशन हमारी शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। 5G रेडिएशन हानिकारक है या नहीं है उससे पहले बात कर लेते हैं कि भाई ये रेडिएशन क्या चीज़ है। बहुत सारे लोगों को मुझे पता है कि रेडिएशन क्या चीज़ है पता नहीं है, तो मैं अगर रेडिएशन को सिंपल भाषा में बोलूं, तो आप लोग ध्यान से सुनना, कोई भी एनर्जी अगर वो ट्रैवल करती है, वो जब ट्रैवल कर रहा होता है अगर उस टाइम उसका रूप किसी वेव या फिर किसी पार्टिकल नेचर में होता है, तो फिर आप समझ लो उसी चीज़ को, उसी जो प्रोसेस है इसको हम रेडिएशन कहते हैं कि भाई एनर्जी यहाँ से उधर जा रही है, उसका रूप बस पार्टिकल या फिर वेव नेचर में है, बस हम इसी को एनर्जी कहते हैं, सॉरी रेडिएशन कहते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एक उदाहरण मैंने आपके सामने दे दिया। अब रेडिएशन दो तरह के होते हैं, एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन और दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन ज़्यादा खतरनाक होते हैं इंसानों के लिए। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, हॉस्पिटल जो होती है ना, एक्सरे जो हमारी मशीन्स होती है, एक्सरे में बहुत रेडिएशन निकलता है, तो एक्सरे रूम के बाहर जो है ना वहाँ पर आप लोगों को एक सिंबल दिखेगा कि प्रेग्नेंट वुमेन्स आर नॉट अलाउड। तो सिंपल सी बात है कि जो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक्सरे के जो रेडिएशन है वो आयोनाइजिंग है, ज़्यादा आयोनाइजिंग है, मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप रेडिएशन से दूरी रखो बच्चे को, प्रेग्नेंट वुमेन को, क्योंकि दोस्तों जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है वो हमारी जेनेटिक मटेरियल को जेनेटिक मटेरियल में बहुत कुछ बदलाव कर सकते हैं। जिन लोग नहीं पता जेनेटिक मटेरियल जैसे कि DNA, RNA ये सब कुछ हो गया, ये हमारे सेल्स का प्रोग्राम होता है, ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे सेल्स किस तरीके से काम करेंगे। अगर वही चीज़ उल्टा सीधा हो गया तो सोचो हमारे शरीर में कितनी सारी बीमारियाँ मतलब पैदा हो जाएंगी। हम जो एक कॉमन बीमारी है जो कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के कारण होती है वो है तो सेल्स जो होते हैं वो कैंसर में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि कैंसर जो है जो बीमारी, क्योंकि सेल्स के अंदर जो सेल की जो डिवाइड होने की जो एक रेट होती है वही चीज़ उल्टा सीधा हो जाती है जीन के अंदर, तो फिर क्या होता है हमारे सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण ये अल्टीमेटली कैंसर में तब्दील हो जाती है। तो इसलिए आयोनाइजिंग रेडिएशन खतरनाक है। अब सवाल ये आता है कि 5G रेडिएशन क्या सच में काफ़ी खतरनाक है, क्या ये आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आती है? आंसर है नहीं। सिंपली मैं आपके सामने एक पिक्चर पेश कर रहा हूँ, इसमें आप लोग देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आयोनाइजिंग रेडिएशन पर आ रही है और कौन सी चीज़ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन पे आ रही है। यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख पाओगे कि जो 5G है वो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की कैटेगरी में आ रही है, और जैसे कि सनलाइट हो गया, बाकी सारी चीज़, और जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट से जितनी भी सारी मतलब रेडिएशन निकलती है वो आयोनाइजिंग होती है। आयोनाइजिंग क्या, हाईली आयोनाइजिंग, मतलब मर ही जाएगा इंसान, इतना खतरनाक रेडिएशन जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में पैदा होती है। तो आप लोग देख सकते हो कि सच में 5G का जो रेडिएशन वो हमारे लिए खतरनाक नहीं है। अभी तक ऐसे कोई भी टेक्निकल प्रूफ नहीं निकला है कि जो ये प्रूफ कर सके 5G इंसानों के लिए काफ़ी हानिकारक है।
तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बता सकता हूँ कि देखो 5G एक नया टेक्नोलॉजी है, उसके अपने कुछ एडवांटेजेस होंगे, उसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। जिस तरीके से हम एसी करंट्स को ठीक तरीके से कैसे अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसी का हमने डिफरेंट डिफरेंट इन्वेंशन किए, उसके डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन निकाले, उसी तरीके से 5G की जितने भी सारे ड्रॉबैक्स हैं उसका भी हम सोल्यूशन निकाल देंगे। पहले 5G तो आने दो। आई मीन इतना तो श्योर हम है कि 5G का जो रेडिएशन है जो निकलता है टावर से वो खतरनाक नहीं है। हाँ, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक तो कोई ऐसा प्रूफ नहीं है जो कि ये प्रूफ कर सके कि 5G काफ़ी खतरनाक है। तो फाइनली मैं आप लोगों को बस एक ही कंक्लूजन देना चाहूँगा कि 5G के बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलते हैं तो आप इसको अच्छे से समझा सकते हो, ये तो आप समझा सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कोई भी 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो नंबर ऑफ बैंड चेक करना कि कितने 5G के बैंड है। 6 बैंड है, अगर 15,000, 16,000, 20,000 के मिल रहे हैं 6 बैंड तो आप स्मार्टफोन खरीद सकते हो। 10 और 12 बैंड तो एक्सपेक्ट मत ही करना, ये तो 5G आने के बाद ही आएगा इस तरह के स्मार्टफोन जिसके अंदर 10 या 12 5G बैंड्स हो। तो ये सारी चीज़ आप लोग ध्यान रखना आप जब अभी 5G स्मार्टफोन खरीदने जाओगे तो। और मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं जो कि 12th के बाद 5G स्मार्टफोन खरीदने जाओगे, तो बेवकूफ़ होने से पहले थोड़ी शातिरदारी हो, मतलब थोड़ी चालाक हो जाओ मेरी वीडियो देख के कि इतने सारे बैंड्स होने चाहिए तुम्हारे स्मार्टफोन में, तभी ये किसी काम का 5G है। तो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी पता चल सके कि आसमान में 5G है क्या। और तीसरा चीज़ मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।